यहाँ संस्था को और रामेश्वर महादेव की सेवा करी हो। और साथियों आज आप लोग मंदयान से आपका सबका गांव में एक एक गांव में कार्यक्रम, कोई ऐसो गांव ही कोई ना अच्छा कार्यक्रम कोई, फिर भी आप आदरणीय कर्नल साहब की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम यहाँ को खाल को कार्यक्रम जो माई साता को और आज जयंती का दनिया कार्यक्रम न खाल को रह, फिर भी आज क्यों मूर्ति अनावरण करवा की जरूरत पड़ी वो की एक मुख्य वजह बताऊं, क्योंकि आज भगवान देवनारायण की जयंती है, सबसे बड़ो दिन आज ही है और मूर्ति अनावरण की यह तारीख मन पिताजी का मुंह से कई बार सुनी कि आरक्षण मिल गयो तो कर्नल साहब देवता की नहीं बुझाऊंगा, यह वही मासू खर्च है। तो आगे आने वाला समय में भगवान की जयंती के दिन ही कर्नल साहब की मूर्ति अनावरण की जयंती आऊगी, इसलिए जो मूर्ति अनावरण आज कर वो बहुत जरूरी जो, और वो सही सभी शहीद बच्चा और बुजुर्ग जाने मन आज भी उसी ध्यान जाए कि जब अपनी मांगा के लिए समाज सड़क पर जो गोलियां चाली, लू चाली, अफवाह चाली, कई प्रकार की बिड़न तोड़ी, कई प्रकार का परिस्थितियां का सामना करनी पड़िया, और वो सब स्थितियां परिस्थितियां भिड़ंत को सामना करते हुए भी कर्नल साहब ने कभी भी आरक्षण की मांग छोड़ी कोई नहीं। एक बार जोरदार नारो कर्नल साहब को लगाऊंगा और आवाज में ध्यान पड़नी चाहिए कि आपका दिल में कर्नल साहब के प्रति कितनो मान सम्मान है वो अपने आवाज से ध्यान पढ़नी चाहिए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला यार 25% लोगों ने हाथ उठाया, ठंड से मुँह भी मान रहे ठंड से पर ठंड ना अपने आप पर बारी मतो बाद दो चार नारा लगाओगे गर्मी आ जाओगी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला या हुई ना कोई बात, ये तो मौसम से आता जाता है, लेकिन सोचो कि जब 50 डिग्री की गर्मी जी 50 डिग्री की गर्मी में दुनिया एसी और कूलर में बैठी जी और कर्नल साहब पटरी पर बैठे थे, कर्नल साहब के साथ सैकड़ों लाखों की तादाद में समाज का लोग बैठे थे, आज उस शहादत में और उस दिना ने ये कभी भूल नहीं चाहिए। आप क्यों भगवान देवनारायण जी की जयंती मनाओ जाए, क्योंकि भगवान देवनारायण ने वह कर्म करया जहां से 36 कौम वहां से प्रेरणा ले। भगवान देवनारायण केवल पूजना का भगवान कोई ना, वो समझ समाजा का भगवान जी, क्योंकि वहां का काम भगवान जैसे आ जाए, बाकी मानव अवतार था, जन्म लियो, बढ़िया काम करिया, कमजोर की मदद करी, अन्याय के खिलाफ कभी झुकिया कोई ना। आज भी अजमेर जिला, बूंदी जिला, भीलवाड़ा जिला में बहुत सारा ऐसा गांव है कजा में एक भी गुजर न पसंद, लेकिन भगवान देवनारायण को मंदिर जर पूरा गांव पूजे, इसको मतलब यह है कि भगवान देवनारायण